नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट संक्रमण के खिलाफ जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीद के लिए तथा 1000 करोड़ रुपए मजदूरों की देखभाल के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष राशि 1000 करोड़ रुपए टीका विकास के लिए दिए जाएंगे। मालूम हो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस ट्रस्ट का 27 मार्च को गठन किया गया था। इसके पदेन सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री सम्मिलित हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार रांची जिला में आज आकाश में हल्के बादल रहेंगे तथा मेघ गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही झारखंड के रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में मेघ गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं बीते दिन गढ़वा जिला में हुए वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हुई। झारखंड में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, मुख्यमंत्री। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। देश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी समेत अन्य लोग अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। राज्य के लोगों से स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फिलहाल राज्य में लॉकडाउन जारी रखना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा छूट को लेकर दिए गए दिशा निर्देश झारखंड में लागू नहीं होगा। झारखंड में आज 8 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 2, कोडरमा से 2 और गिरिडीह से 4 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 173 से बढ़कर 181 हो गई, जबकि 87 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 78,055 हुई, जबकि 26,400 लोग स्वस्थ हुए और 2551 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्यपाल का बढ़ सकता है कार्यकाल। खबरों के अनुसार झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई 2020 को समाप्त हो रहा है। झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल होगी। इससे पहले किसी राज्यपाल ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के कारण राज्यपाल का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। दूरदर्शन पर छात्रों की जारी रह सकती है पढ़ाई। खबरों के अनुसार मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए कक्षा का संचालन विद्यालय खुलने के बाद भी जारी रह सकता है। शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है। फिलहाल दूरदर्शन पर 10 जून तक के लिए समय का आवंटन किया गया है। दिल्ली से ट्रेन आज 1076 यात्री को लेकर रांची आएगी। खबरों के अनुसार दिल्ली में फंसे मजदूर और यात्रियों को लेकर ट्रेन आज रांची आएगी। सभी यात्री का स्कैनिंग होगा तथा उन्हें बसों द्वारा अपने होम तक छोड़ा जाएगा। सरकार ने 11 कंपनियों का पान मसाला का स्टॉक दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति दी। खबरों के अनुसार सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मदन कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला के स्टॉक को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर भेजना होगा। आदेश में कहा गया है कि पान मसाला के थोक विक्रेता, व्यापारी जो अपने गोदाम में बचे हुए माल को झारखंड राज्य के सीमा से बाहर भेजने हेतु 2 हफ्ता की छूट दी गई है, यह 31 मई तक जारी रहेगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के जीवन के साथ कर रहे खिलवाड़। खबरों के अनुसार सिल्ली में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने लॉकडाउन का धज्जिया उड़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में तमाम नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को MDM का चावल देने के लिए स्कूल बुलाया। मामले में BDO ने कहा कि किसी भी हाल में बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना है, उनके घर जाकर चावल पहुंचाना है। इन पर कार्रवाई के लिए जिला को पत्र लिखा गया है। झारखंड की 1,30,000 महिला किसानों को खाते में मिलेंगे 5 से 8 हज़ार रुपये। खबरों के अनुसार झारखंड सरकार ने महिला किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि राज्य की 1,30,000 महिला किसानों को 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन महिला किसानों के पास 3 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 5,000 से 8,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। रमजान के दौरान लॉकडाउन में छूट नहीं, CM। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि सरकार फिलहाल लॉकडाउन में ढील देने के पक्ष में नहीं है। CM ने स्पष्ट कहा है कि रमजान के महीना में लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमण की स्थिति खराब हो सकती है। लोग अचानक घर से बाहर निकल पड़ेंगे और भीड़ बढ़ेगी, ऐसे में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। विद्यालय को MDM राशि का 15 मई तक देना होगा ब्यौरा। खबरों के अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने जिला के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर MDM राशि की आवंटन से जुड़ी जानकारी मांगी है।
सभी अधिकारियों को सत्र 20-21 को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयवार प्रतियोजना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रांची में गैस से जलेंगी लाशें, विद्युत सौदा गृह तैयार। खबरों के अनुसार हरमो मुक्ति धाम स्थित विद्युत सौदा गृह का उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। सौदा गृह की सारी मशीनें को दुरुस्त कर लिया गया है, मशीन को चलाकर ट्रायल कर लिया गया। मशीनें को चलाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सफल रहा। अब बहुत जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा, लोकल से ग्लोबल बनने के मंत्र को आत्मसात करना होगा। खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है। साथ ही संक्रमण से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोकल से ग्लोबल बनने के मंत्र को आत्मसात करना होगा, हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना होगा। बेंगलुरु से बोकारो पहुंचे 1470 मजदूर। खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। ऐसे में बेंगलुरु से प्रवासी मजदूर को लेकर विशेष ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पहुंची। इस विशेष ट्रेन में राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 1470 मजदूर हैं। सभी मजदूरों का स्वागत व उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए बोकारो जिला प्रशासन की पूरी टीम बोकारो स्टेशन पर मौजूद थी। लातेहार जिला में राशन कार्डधारियों के राशन रद्द करने हेतु सूचना। खबरों के अनुसार लातेहार जिला के सभी राशन कार्डधारियों एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि लातेहार जिला में अनेक अत्यंत गरीब, दिव्यांग, असहाय, विधवा, मजदूर, रिक्शा चालक आदि परिवार का राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र लंबित है, जिसे आच्छादित करने के लिए अपात्र आयोग राशन कार्ड कार्डधारियों सदस्यों का राशन कार्ड रद्द करना आवश्यक है। 19 मई से विशेष घरेलू उड़ानें शुरू। खबरों के अनुसार सरकार रेल शुरू करने के बाद अब हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे की विशेष ट्रेनों की तरह राष्ट्रीय एयर इंडिया के 19 मई से 2 जून के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे यात्रियों को लाने ले जाने के विशेष घरेलू उड़ान शुरू कर सकती है। इसमें से अधिकांश उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अमृतसर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा और लखनऊ के बीच चलेगी। केंद्र ने शिक्षा परियोजना को दिए 172 करोड़। खबरों के अनुसार भारत सरकार ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 172 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट का पहला किस्त जारी कर दिया गया है। पैसा निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में पारा शिक्षकों का अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान होने की संभावना है। रामेश्वर उरांव ने कहा, आर्थिक गतिविधि तेज करने का होगा प्रयास। खबरों के अनुसार वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधि को तेज करने की प्रयास हो रहा है। आर्थिक पैकेज के मामले में भारत 6 नंबर पर। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जो दुनिया भर के देशों द्वारा इस घोषित प्रोत्साहन में सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में से एक माना जा रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 10% के बराबर की घोषणा है, जो कि अमेरिका के बाद 6 नंबर पर है। देवघर के साइबर अपराधियों ने खातों से उड़ा 1 करोड़ रुपए। खबरों के अनुसार देवघर के अपराधियों ने ICICI बैंक के देश के अलग अलग भागों से 59 ग्राहकों के खातों से 1.1 करोड़ रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में ICICI बैंक की देवघर शाखा के प्रबंधक ने साइबर अपराधी थाना में संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई है। पलामू पहुंचे गुजरात के 1208 श्रमिक। खबरों के अनुसार विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों का झारखंड में आने का सिलसिला जारी है। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें बुधवार को विशेष ट्रेन से झारखंड के 19 जिलों के 1208 मजदूर पलामू पहुंचे। डाल्टेंग स्टेशन पर पलामू उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी श्रमिकों का स्वागत किया। 41 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को मिला 5,500 रुपए की राशि। खबरों के अनुसार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 41 करोड़ जनधन अकाउंट के खातों में DBT के माध्यम से 5,500 रुपए की राशि ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि संकट के वक्त हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे, यही हमारी कोशिश है।
रांची पहुंचा स्पाइसजेट का विमान। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्पाइसजेट का एक विमान बुधवार को रांची पहुंचा। स्पेशल विमान में मेडिकल किट व अन्य सामान थे। यह पहला मौका है जब किसी विमान की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। प्रवासी मजदूर को घर वापसी के लिए सुझाव। झारखंड के प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और जो घर वापसी चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आप जल्द पंजीकरण करा लें और जो मजदूर पंजीकरण करा चुके हैं वे SMS आने का इंतजार करें। या दिल्ली से रांची आने वाली ट्रेन द्वारा झारखंड वापस लौट सकते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन 4 स्पेशल ट्रेन का आवागमन करवाई जा रही है। आप चिंता न करें, धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।